बिग बॉस 15। दोस्तों आपको बता दें कि घर के अंदर लाइव फीड के अंदर बैठे हैं करण कुंद्रा और उमर रियाज, और यहाँ पर वो इसलिए बैठे हैं कि वो बात कर रहे हैं कि आखिर लास्ट टास्क के अंदर नॉमिनेशन के टाइम पर जब तेजा से लड़ाई हो गई थी करण की, तो आखिर वो क्यों हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये वजह बताते हुए नज़र आ रहे हैं करण कुंद्रा। वो कह रहे थे कि यहाँ पर तेजस्वी जो है वो संचालक बनी थी, और मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से वो प्रतीक के अगेंस्ट खेल रही है, यानी कि जो खुन्नस उनके दिल में पहले से नज़र आ रही थी प्रतीक को लेके, वो काफ़ी गलत थी टास्क के अंदर। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ इसी पॉइंट को रखते हुए वो कहते हुए नज़र आए कि तेजा का बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं तेजा से भी लड़ बैठा, और अगर मुझे नहीं लड़ना होता प्रतीक की वजह से, तो मैं चाहता तो उसका साथ दे सकता था। अब दोस्तों ऐसे में यहाँ पर करण जो है वो फेयर खेलने की कोशिश कर रहे हैं और प्रतीक को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीकेंड का वार के अंदर प्रतीक को सपोर्ट करते हुए नज़र आए थे सलमान खान, और सबको कहते हुए नज़र आए थे कि अगर कोई बंदा अपना स्टैंड ले रहा है तो आप कोई नहीं होते हो उसे रोकने वाले। तो यहाँ पर आपको बता दें कि करण कहते हुए नज़र आ रहे थे कि प्रतीक वहाँ पर अपना स्टैंड ले रहा था, और जिस तरीके से खेल रहा था वो अच्छा था। जिस तरीके से यहाँ पर उमर ने भी गेम खेला वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार था, लेकिन आपको बता दें कि अब गेम जो है वो पलटने वाला है। कौन बचेगा नॉमिनेशन से, ये बिग बॉस डिसाइड करेंगे, और करेंगे घर वाले। तो दोस्तों आपको इस पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी और अपडेट्स सबसे पहले।